ग्वालियर के चकरायपुरा गांव में गौ हत्या, बीफ खाने और गाय के मांस को बेचने का मामला सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया इससे काफी खफा हैं। वे बोले, मांस बेचने वाले तो पकड़े गए हैं, लेकिन हत्या करने वाले नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर गौ हत्या करने वालों को चुनौती दी है। उन्होंने लिखा, अगर कार्यवाही में देर हुई तो कसाईयों के अड्डे पर वह खुद कूच करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके के चकरायपुरा गांव में गौवंश हत्या कर उसके अंगों को बेचने का मामला सामने आया है। इस पर हिंदू संगठनों ने मौके से गौवंश के छत बिछत अंगों को लेकर थाने का घेराव किया, जहां पुलिस ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के साथ ही गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पर इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार न करने और ठोस कार्यवाही न करने पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने खुद मैदान में आने की चेतावनी दी है। पूर्व मंत्री पवैया गौ हत्या करने वालों को चुनौती देकर बोले, कार्यवाही में देरी हुई तो कसाईयों के अड्डे पर खुद कूच करने को बाध्य हो जाएंगे। जयभान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, गौ रक्त की एक बूंद गिरना भी दुखद है और असहनीय भी। शर्व पित्र अमावस्या की पूर्व संध्या पर गौ भक्त की सूचना पर ग्वालियर के महाराजपुरा थाना अंतर्गत चकरायपुर में गौ की कटी हुई देह और मांस पकड़ा गया। मांस बेचने वाले तो पकड़े गए, लेकिन हत्यारे नदारद हैं। जानकारी मिली है कि इस इलाके में असहाय गायों की अनवरत हत्या करने के कुछ ढाबों पर बेचने का पाप किया जा रहा है और यह आश्चर्यजनक है कि कसाईयों के पास 30 शस्त्र लाइसेंस है। अवैध निर्माण इन राक्षसों के ऐस गाह बने हुए हैं। इस रैकेट की तह तक जाने के लिए त्वरित और कठोरतम कार्यवाही होना जरूरी है। मध्य प्रदेश संपूर्ण गौवध बंदी कानून वाला राज्य है, फिर कौन है वे लोग जिनके संरक्षण में हिंदू संवेदनाओं से खेला जा रहा है। अगर देर हुई तो कसाईयों के अड्डे पर मैं स्वयं कूच करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। हिंदू संगठनों के साथ ही पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के इस मामले पर ठोस कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसएसपी अमित सांगी का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में कार्यवाही में जुटी है और चार आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। चूंकि मामले की जांच जारी है, आरोपियों से भी पूछताछ के बाद बहुत कुछ जानकारी हाथ लग सकती है। ऐसे में यदि किसी अन्य की भी भूमिका जांच में सामने आती है तो उन पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।